हेलो लर्नर लर्नर, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पीजीटी बायोलॉजी जो कि लेक्चरर एग्ज़ाम जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसकी बात हमने की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम। आप जानते हैं अगार अगार जो सब्सटेंस है वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, जो कि हमें एल्गी से मिलता है। और कल्चर मीडिया की बात करें या लेबोरेटरी में जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, सो अगार अगार उसे बोलते हैं। सो अगार अगार जो है वो जिस एल्गी से हमें मिलता है उस एल्गी का नाम है जिलेडियम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा वो जिलेडियम होगा कि अगार अगार जो सब्सटेंस है वो हमें जिलेडियम जो कि एक रेड एल्गी होती है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन उसके बाद 52 क्वेश्चन है, एरगॉट ऑफ राई इज़ कॉज्ड बाई। एरगॉट ऑफ राई एक डिजीज़ है जो कि जिस फंजाई से होती है उस फंजाई का नाम है क्लेविसेप्स। सो इसका ऑप्शन नंबर ए, एरगॉट ऑफ राई जो डिजीज़ है वो क्लेविसेप्स नाम के फंजाई से होती है और होती किस में है, राई के प्लांट में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेविसेप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी सिद्धांत आप जानते होंगे, ये ब्लैकमैन ने प्रपोज किया था। तो 53 क्वेश्चन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का जो राइट आंसर होगा वो FF ब्लैकमैन होगा, जिन्होंने जिसे हम ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिन इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। स्प्राउटिंग का मतलब आप जानते हैं कि अंकुर होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सिन आलू में अंकुरण रोकने के लिए उपयोगी होता है। तो आप जानते हैं कि जो NAA है ऑक्सिन का टाइप, वो अंकुरण को रोकने में, आलू में अंकुरण को रोकने के लिए उत्तरदायी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, NAA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, क्विसेंट सेंटर इज़ प्रेजेंट इन। तो आप जानते हैं क्विसेंट सेंटर है जहाँ पे सेल डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती है और इसे हम बोलते हैं कि ये प्रेजेंट होता है रूट अपेक्स में। सो 55 क्वेश्चन क्विसेंट सेंटर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूट अपेक्स पे प्रेजेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 56 है, यूट्रोपिफिकेशन ऑफ लेक्स डिक्रीजेज। यूट्रोपिफिकेशन आप लोग जानते होंगे सुपोषण, अगर किसी भी झील में या वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव थिंग प्रेजेंट होती है और जो कि वहाँ पे उसमें पाए जाने वाले प्लांट्स की ग्रोथ के लिए तो ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है और मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो करने लगते हैं और जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं जो कि हार्मफुल स्टेज है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। सो यूट्रोपिफिकेशन डिक्रीज़ होता है या यूट्रोपिफिकेशन उत्पन्न करता है, उसकी वजह से जो रीज़न कॉज होता है वो है डिसॉल्व ऑक्सीजन। अगर यूट्रोपिफिकेशन लेक्स में प्रेजेंट है तो उससे डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ होगी। सो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब बात करते हैं 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट्स ऑफ। आप जानते हैं कि स्यूडो इलेटर मतलब जिनमें फॉल्स इलेटर प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि इलेटर्स मोस्टली ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पोर्स के स्प्रेड में हेल्प करते हैं और उसे हम इलेटर बोलते हैं। सो स्यूडो इलेटर्स के स्ट्रक्चर जो है वो एंथोसिरोस में प्रेजेंट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, इन प्लांट्स विच हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग
वाटर स्ट्रेस। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जल प्रतिबल के दौरान कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। एज यू नो दैट एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, प्लांट स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा 58 क्वेश्चन का सी ऑप्शन, एब्सिसिक एसिड, दैट्स ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, प्लांट डिजीज अक्रिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट्स की डिजीज़ है जो प्राकृतिक रूप से किसी एक ही विशेष क्षेत्र में पाई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एंडेमिक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एंडेमिक को हम बोलते हैं जब कोई स्पेसिफिक किसी एक ही रीजन्स में डिजीज़ स्प्रेड हो, सो उसके लिए हम एंडेमिक वर्ड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, द सेल्स ऑफ अ साइनो बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एक्सिबिट सिमिलरली इन हैविंग, दैट्स मीन्स कि कौन सा ऐसी समानता है जो साइनो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों शो करते हैं। सो नेकेड डीएनए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों ही मोनेरा किंगडम में आते हैं, जहाँ पे कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर हैं, और यहाँ पे नेकेड डीएनए का स्ट्रक्चर एज अ जेनेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का डी, नेकेड डीएनए। सो आई होप लर्नर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ना देखा हो, सो आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी देख लें। थैंक यू लर्नर।